अब हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, बताइए कि 1 होती है, ठीक है। तो 1 होती है तो हम इसको लिखने वाले हैं क्या, 1 लिख देंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि e इज इक्वल्स टू अंडर रूट में h का स्क्वायर प्लस bv का स्क्वायर, दैट्स ओके, दैट्स यह रिलेशनशिप। अगर मान लीजिए कि आपको bv की वैल्यू दे दिया, bh की वैल्यू पूछ दिया, तो इस रिस्पेक्ट में आपको करना कुछ नहीं है, सेकंड को फर्स्ट डिवाइड कर देना है, ठीक है। सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट कर दीजिए, इससे क्या होने वाला है, इससे होने वाला है कि bv ऊपर हो जाएगा, bh नीचे हो जाएगा, और यहाँ पे साइन बाई कॉस हो जाएगा, be be कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा tan थीटा। यही हमने पहले एक फॉर्मूले में अप्लाई भी करा था। तो मान लीजिए bh की वैल्यू दिया, bv पूछ गया, तो bh की वैल्यू थीटा की वैल्यू पढ़ा हुआ है, फिर पता है, तो रख करके सॉल्व करके bv की वैल्यू निकाल लेंगे, bh bv दोनों पता है, तो ला करके इस पर रख करके आप मैथमेटिक्स पर निकाल लेंगे, और वही हमने कल भी करा था, ठीक है। तो इसका मतलब किया तो सही था, वो आंसर गलत आ रहा, ठीक है, कर लीजिए। अब कोई नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, क्या कोई क्वेश्चन बोलो फटाफट से, फटाफट से बोलो, फिर से एक बार बोलो, न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करना क्यों मुश्किल होता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि न्यूट्रिनो का रेश मास जीरो होता है, ठीक है। न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करना इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो ये सब जो पार्टिकल्स है ये सब मासलेस होते हैं, मासलेस होने की वजह से इनको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन बोलो, एम्पलीफिकेशन के लिए क्या करना है, ये बुक में से आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपने सेमीकंडक्टर से पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं तो हम ये बता देंगे। शॉर्ट क्वेश्चन बताओ, किसका बताना है, एप्लीकेशन का ग्राफ बताना है, ट्रांसफर ट्रांजिस्टर, ट्रांसफर ट्रांसफार्मर, ट्रांसफर ट्रांसफर, अच्छा रुको हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, क्या दिया है, बेस बायस, हाँ कोई दिक्कत नहीं, बेस बायस है, बेस कॉमन हो, कॉमन बेस होना चाहिए, ड्रॉ सर्किट डायग्राम तो कॉमन बेस हो, तो कॉमन बेस होना चाहिए, ट्रांजिस्टर एप्लीकेशन सी कॉन्फ़िगरेशन, सी कॉन्फ़िगरेशन है बेस बायस रिफ्लेक्स प्लेन, तो क्या करना है सी को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, सी को एक्सप्लेन करना है, कॉमन एमिटर दिखा दे, बड़े कॉमन एमिटर का जो सर्किट डायग्राम बनाना है एक्सप्लेन करना है क्या क्या होता है, ठीक है। कॉमन एमिटर किसका किसके लिए बनाना बताना है, ट्रांजिस्टर किसके लिए, एप्लीकेशन के लिए, तो सी होगा, ठीक है। आप क्या बनाओगे, पीएनपी सॉरी एनपीएन बनाओगे, ठीक है, नॉट पीएनपी, एनपीएन बनाओगे, एनपीएन बना करके कॉमन एमिटर का कॉन्सेप्ट दिखाओगे, कॉमन एमिटर आप जानते हो कैसे बनता है, ठीक है, ऐसे बना लेना, ये कॉन्सेप्ट होता है ऐसे बना करके, ऐसे बनाना चाहो ऐसे बनाओ, ऐसे बनाना ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद एम्प्लीफिकेशन का फैक्टर बोले तो समझाया नहीं, तो फिर आप ना कर लेना, हाँ तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। या सर्किट उसको आप थोड़ा सा दिखा रहे हैं, उसको आप देखना चाहो तो देख लो, इसमें ये वाला जो सेक्शन है, क्योंकि आप जान रहे हो कि ये एनपीएन है, एनपीएन में क्या दिखाते हैं, इन साइड आउटसाइड, एरो 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 फटाफट, आउटसाइड दिखा दिया, ठीक है। कॉमन मीटर है, तो कॉमन मीटर में ऐसे केस नहीं होता, ये कॉमन बेस का कॉन्सेप्ट है, फिर इसको यहाँ पे ला कर जोड़ देते हैं, इसको यहाँ पे ला कर जोड़ देते हैं, इसको ऐसे जोड़ देते हैं, इसको ऐसे ऐसे करके जोड़ देते हैं, ये क्या है, सी बी कॉन्फ़िगरेशन, ये सी बी कॉन्फ़िगरेशन है। अब हमको क्या बनाना है, सी ई कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, सी कॉन्फ़िगरेशन को इसको थोड़ा सा रोटेट करा दीजिए, रोटेट करा दीजिए थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे केस में हम इसको कैसे दिखाएंगे, देखो ऐसे क्वेश्चन होते हैं बड़े कमाल के, ठीक है, कुछ करना नहीं है, इससे ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, ऐसे घुमा दीजिए इसको, क्या बनाना है, कॉमन ओमीटर, कॉमन ओमीटर, कॉमन ओमीटर के लिए आपको क्या करना है कि इस तरीके से रखना है कि ये कॉमन है, तो इधर से ऐसे लगा दो, कॉमन ओमीटर में ओमीटर यही होता है, ओमीटर ये इधर लगा दिया, ठीक है, इसको कॉमन डालना है, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, यहाँ पर ओके कर दो, यहाँ पे इनपुट देते हैं, ये खाली कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर इनपुट है, इनपुट लिख दीजिए, यहाँ पे एक लोड रेजिस्टर लगा दीजिए, ठीक है, फिर इसके बाद
यहाँ पे इस पर आकर के जोड़ दीजिए एक अलग से नोड के साथ, और फिर यहाँ पर आउटपुट ले लीजिएगा, ठीक है, और फिर यहाँ पर सेल के साथ जोड़ना है सेल के साथ जोड़ दो, ठीक है, ये आपका बेस हो गया, ये आपका कलेक्टर हो गया, ये आपका अमीटर हो गया, ठीक है। यहाँ से आप इनपुट ऐसे ऐसे देते हो और यहाँ से आपको इनपुट आउटपुट ऐसे ऐसे मिलता है, ठीक है। यह है कॉन्सेप्ट आपका, छोटा इनपुट बड़ा आउटपुट। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगा होता है वो रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, यहाँ पे हाई RH, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है बहुत लो होता है RL, ठीक है। तो ये हाई रेजिस्टेंस, यहाँ लो रेजिस्टेंस, या हाई रेजिस्टेंस में जब छोटा करंट जाता है, यहाँ से हम जो करंट भेजते हैं, समझो छोटा सा प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, क्योंकि आप सेमी कंडक्टर आपने पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत याद होगा, नहीं याद है तो आप थोड़ा सा बुक खोल करके देखिएगा, लेकिन अभी कुछ अलग से एक्सपेरिमेंट मत करना, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हल्का फुल्का सर्किट वगैरह बना करके एक्सप्लेन कर देना। तो देखिए यहाँ से हम लो करंट देंगे, लो वोल्टेज देंगे, हमारा काम है लो वोल्टेज देना, लो वोल्टेज देंगे, करंट आया इसमें से होकर के जाता है, आगे जाता है किसमें, आपके अमीटर में भी जाएगा और कलेक्टर में भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ये इसका काम क्या है, ये रोकता है किसको, करंट को रोकता है, करंट को रोक करके करंट को लो कर देता है। आपने जो भी करंट भेजा है, मान लो एम्पीयर में भेजा, तो ये मिली एम्पीयर में कर देगा, ऐसे समझो करंट को आपने जो भी भेजा है उसको ये मिली एम्पीयर में बदल देता है, ठीक है। मिली एम्पीयर में मतलब कुछ करंट के फैक्टर्स को कुछ कम कर देता है, करंट का फैक्टर कुछ कम होता है, और करंट का कम होने से यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस को बहुत ज़्यादा लगाना होता है। रेजिस्टेंस आप जितना अपर सेक्शन में लगाओगे, जितना हाई वोल्टेज यहाँ पे लगाओगे, तो इससे होता क्या है कि वो करंट जब इसमें जाएगा तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होता है, और जितना ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा इन दोनों टर्मिनल के बीच उतना वोल्टेज मिलता रहता है, ठीक है। इसका काम क्या है कि आने वाली करंट को एक लिमिटेड करंट के फॉर्मेट में आगे भेजना, एम्पियर को मिली एम्पियर में आगे भेजेगा, मिली एम्पियर में जब आगे जा रहा होता है तो आपको यहाँ पे लोड ज़्यादा लगाना होता है, ठीक है। लोड जितना ज़्यादा लगाओगे आपको पोटेंशियल उतना ज़्यादा मिलेगा इन दोनों टर्मिनल के बीच में, ठीक है। और इस तरीके से आपको हायर वोल्टेज का एम्प्लीफिकेशन मिलता है, ठीक है। अभी पढ़ा होगा तो ठीक है, थोड़ा सा याद करिएगा। हमने इसलिए बताया क्योंकि जब आप पन्ना खोलोगे ना तो मेरी बातें कुछ कुछ याद आएंगी, अगर हमें पूरा बताता होता तो हम पूरा भी पैटर्न पढ़ाते, तो इसलिए हमने बताया। एक बार इसको देखिएगा, ठीक है, नहीं तो हम अभी दिखा देंगे।